अनसुनी कहानियों में पेश करते हैं पुरस्रार स्कूल और आवाज है आरजे कश्यप की। मेरी बड़ी फूफो की बेटी की आज शादी हो चुकी है और वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। लेकिन ये वाकया उसके साथ तब पेश आया जब वो बहुत छोटी थी। वो तकरीबन 7 या 8 क्लास में थी। वो स्कूल गोइंग थी। वो जिस स्कूल में जाती थी उसके बारे में काफ़ी पुरस्रार बातें मशहूर थीं और लोगों का कहना था कि वहाँ साया या जन्नात मौजूद हैं। हमने भी ये सब वाक़यात सुने तो थे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कभी नहीं हुआ था तो हमने उस पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन एक दिन जब हम अपने अम्मी अब्बू के हमरा अपनी फूफो के यहाँ गए तो हमने देखा कि हमारी कज़न बहुत डरी हुई, सहमी हुई, खामोश, चुपचाप एक कोने में बैठी है। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थी, वो पूरी पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, इवन उसके हाथों की उंगलियां भी बड़ी हो रही थी। उसके अंदर कुछ अजीब सी चेंजेस आ रही थी और वो आंखों को झपकाती भी नहीं थी। वो बस चुपचाप गौर से देख रही थी। उसके हाथों के नाखून बड़े हो चुके थे और वो पूरे पीले पड़ चुके थे। वो एकदम निढाल, बेहाल, खामोश हो चुकी थी। उसकी पुरस्रार तबीयत मैं आज तक नहीं भूल पाई। वो इतनी खौफनाक हो गई थी कि हमसे देखा नहीं जा रहा था और उसे देख देख कर हमें खौफ आ रहा था। लिहाजा अम्मी अबू ने फूफी से पूछा कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये इतनी खौफनाक क्यों दिखने लगी है और ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची है ही नहीं और ये बिल्कुल बदलती जा रही है, इसे क्या हुआ है, इसकी उंगलियां इतनी लंबी कैसे होने लगी हैं और ये इतनी पीली कैसे पड़ने लगी है, इसकी आंखें इतनी बड़ी, इतनी लाल कैसे हो गई हैं। तो पप्पू रोना शुरू हो गए और उन्होंने बताया कि ये किसी जन्नात के साए में आ गई। अबू ने पूछा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी इसकी ये तबीयत देखकर बहुत हैरान हुई। ये एकदम खामोश हो गई है, ना कोई बात करती है ना कुछ कहती है और दिन ब दिन अजीब सी खौफनाक सी होती जा रही है। अब्बू को बहुत परेशानी हुई तो अब्बू ने पप्पो से पूरा माजरा तलब किया। पप्पो ने बताया कि मैंने भी इसकी तबीयत में इस तरह की पुरस्रार चेंजेस देखी, जैसे देखने के बाद मैंने इसे मस्जिद के इमाम साहब को दिखाया। उन्होंने अपने एक आलिम दोस्त का बताया और मैं इसे वहाँ जब लेकर गए हम लोग तो पता चला कि ये अपने स्कूल में किसी जिन के साए में आ गई है, ये जवाल के वक्त उस जिन के रास्ते में आ गई। जवाल का वक्त कहते हैं 12 बजे के बाद से जहर के बीच का कुछ वक्त होता है। क्योंकि मेरी कज़न बहुत खूबसूरत थी, उसके लंबे लंबे बाल थे, तो वो जब उस जिन के रास्ते में आ गई उस वक्त तो उसने उसे अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ये इस तरह की हो गई। आलिम ने इसका इलाज शुरू किया है, देखो दुआ करो कि ये ठीक हो जाए। काफ़ी महीनों तक मेरी कज़न का इलाज चला। आहिस्ता आहिस्ता उसके पुरस्रार तबीयत में बेहतरी आती गई। लेकिन इन सब वाकयात से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त आयतल कुर्सी का वर्त करना चाहिए, हमें अपनी कुरानी आयात को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उस मखलूक को देख नहीं सकते लेकिन उनसे बचने के लिए हमारे पास अल्लाह ने हमें चारों कुल से नवाजा, आयतल कुर्सी से नवाजा। इसलिए उस दिन के बाद से आज तक मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो ज़रूर आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलती हूँ।
ताकि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें।